न मैं गिरा न मेरे हौसले की मीनार गिरी, मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। बड़ी चर्चा में भाई दू गो लाइन जोन बा, आई वो लालू प्रसाद के ट्वीट से। और लालू प्रसाद के ट्वीट के साथ साथ महागठबंधन के जोन धीरे धीरे ठंड ही रहला, वो गर्मी बदल गई। एक तरफ जहाँ फगुआ के तैयारी, हाँ फगुआ के तैयारी से याद आयल कि राजद घोषणा कर लेगा कि फगुआ ना मनाई। लालू प्रसाद नहीं ये चलते ना मनाई, पुलवामा के चलते ना मनाई, कारण जो भी होके, लेकिन राजद की तरफ से आधिकारिक घोषणा हो गई बा कि वो फगुआ इस साल ना मनाई लोग। एक साथ साथ आज राजद कार्यकारिणी के बैठक रहला, पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक कहल जात रहा एकरा के। एकरा साथ साथ ये बैठक के पीछे चाहे कारण जौन भी रहल होके, लेकिन जौन स्थिति बा वो स्थिति में कहल यह जा सकेला कि राजद के जौन हालिया स्थिति बुड़ुए, वो हालिया स्थिति देख के ऐसा बुझा रहा बुड़ुए कि लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में पार्टी के नीति में बहुत अंतर पड़ गई है। लालू के अलग नीति रहल है और लालू के नीति खास करके आम समय में तो रहले रहल है, लेकिन चुनाव में लालू नीति बड़ा कारगर साबित होत रहे और विपक्षी खातिर हमेशा लाल झंडा रहत रहे कि जैसे प्रवेश पर जीत बा। अगर देखल जाओ तो लालू परिवार और लालू के राजनीति दोनों में बहुत अंतर बढ़ू है। यह अंतर के अगर देखा जाओ तो सामान्य बात से थोड़ा सा हट के नजर आओ। लालू प्रसाद के सोच गरीब गुरबा एकदम साफ स्पष्ट नीति रहा है कि हे लाइन से आगे जाएगा भाई, लाइन से आगे नहीं खे जाएगा। मुद्दा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहला। लालू जोन कह दी हैं वो लालू नीति नियत ओकरा के संविधान मान लिया जाता है राजद के, और हर कोई ओकरा पीछे पीछे दौड़त रहे। लालू के बात के रखे खातिर पार्टी पूरी तरह से तैयार होता है, लेकिन वो नीति जोन बोलुए ओकरा में कुछ ना कुछ कमी नजर आ रहा बोलुए। लालू के रहते पार्टी कभी भी दू फाड़ ना रहल, लेकिन लालू के अनुपस्थिति में दू फाड़ नजर आ रहा बुड़ुए। पहले तो परिवारे में दू फाड़ नजर आ रहा बुड़ुए, वो नीति ऐसा बुड़ुए कि जब पारिवारिक नीति नहीं के संभाल पावत तब तो बाहर के नीति संभालल थोड़ा सा मुश्किल काम बुड़ुए। कई ऐसा नेता बन, ऐसा बात नहीं है कि लालू के बाद लालू रास्ता बंद कर दिल रहन। एक से एक दिग्गज नेता बाड़े जौन लालू प्रसाद के नीति के आज भी लागू करे में हर तरह से सक्षम बाड़े, लेकिन बोलता है तो उनकर बात सुने वाला कोई नहीं है, या फिर बहुत लोग बा जौन इज्जत बचा रहे बुड़ुए। उनकर मजबूरी बा कि वो लालू के पार्टी से अलग ना जा सकेले, और दूसर मजबूरी बा कि अपन प्रतिष्ठा भी बचावे के बुड़ुए। याद हुई कि रघुवंश प्रसाद बहुत बढ़िया एगो नीति लेके आई रहन, लालू नीति ओकरा के मान सके ले रुआ, चूंकि लालू प्रसाद के बहुत करीब रहल बड़े रघुवंश प्रसाद। कहले रहन कि अगर सामने वाला दुश्मन मजबूत बा तो ओकरा खातिर एक जगह गुटिया के और रस्सी से बांध के ओकरा के मोट बनावे के पड़ी। उ जो कहानी ना डंटा वाला सुन ले रहे कि अकेले अकेले टूट जाई आ जब एक साथ बोझा बन जाए तो टूटल बड़ा मुश्किल हो जाए। वो बात खातिर वो कहले रहन कि कॉमन सिंबल पर बिहार के 400 सीट पर लड़ जाए जाओ, लेकिन उनका बात के हंसी छिठोली मजाक में उड़ा दिया गई। शिवानंद तिवारी के बात करी रुआ तो शिवानंद तिवारी मुखर तो जरूर बान, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ हम पर कितना बढ़ुए, निहितार्थ हम पर कितना बढ़ुए, ये अलग बात बा, दिगर बात बा। लेकिन लालू प्रसाद के नीति के प्रबल समर्थक बान, और लालू प्रसाद के नीति के समय समय पर जब भी उनका महसूस होला कि पार्टी के जब जरूरत बढ़ुए तो वो नीति के ले आके खड़ा जरूर कर देवे ले। अगर बात और भी नेता के कर ली
प्रदेश अध्यक्ष के बात करी तो बोल के पूर्वे जी के मालूम हुई कि तेज प्रताप यादव के साथ 36 भिड़ गए रहे। खैर बात आयल गई हो गई, लेकिन नीति के जहाँ तक सवाल बढ़ुए कहीं ना कहीं लालू नीति के कारण ये बात जरूर बढ़ुए कि विपक्ष हावी हो। 2015 के चुनाव में वो याद हुई कि जब पूरा देश एक छत्र इस बात के कहे खातिर परसेप्शन में रहे, बात होत रहे, चर्चा में रहा कि बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी, लेकिन लालू नीति ओजा काम कर गई। नीतीश कुमार के छवि हो सकेला कि उनकर छवि भी रहे, लेकिन एक ऐसा ट्वीट रहे, एक वैसन मुद्दा से लेकर सामने आ गई जो मुद्दा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ध्वस्त कर दिलस और महागठबंधन के सरकार बनल। ये लालू नीति है। आज भी लालू नीति से विपक्ष भयभीत जरूर बढ़ुए। लालू भले सामने मत हो खस, लेकिन लालू के भय जरूर बढ़ुए। कहल जा रहा बढ़ुए सुनबे कहीं नहीं है, आज के कार्यकारिणी के बैठक से पहले कहल गया है कि चुनाव से पहले लालू प्रसाद जेल से बाहर आ जाए हैं। अगर आ गए तो बल्ले बल्ले, अगर ना आइले तो लालू नीति पर एक बार फिर से जे राजद के कर्ता धरता बाड़े, लालू परिवार के सदस्य बाड़े, भाई दोनों और बहन के साथ साथ राबड़ी देवी, राबड़ी देवी के भी जहाँ तक बात कही जाओ तो स्वस्थ के रूप से वो ठीक ठाक नहीं थी, अस्वस्थ रह तारी। दूसरा चीज़ बोलो कि लालू लालू हवे, उनका बात के मनवावे में भी बहुत अंतर हुई। एगो बात रुआ के अगर एक लाइन के कुछ कहल जाओ और वो बात रुआ फिर दोहरावे होके तो कहीं ना कहीं कोई अंतर जरूर पड़ जाए। ये लालू हवे, लालू क्षणिक निर्णय लेवे ले और टू द स्पॉट उनका कहल जाला। मीडिया डार्लिंग भी रहल बड़े, मीडिया आज अगर लालू प्रसाद कह दे कि या उनका मौका मिल जाओ कि मीडिया के संबोधित करी हैं तो पूरा दुनिया के मीडिया उनका भी पहुंच जाए। ये लालू के नीति बढ़ुए, लालू के नीति से विपक्ष डरते बढ़ुए। अब बात अगर नीति के कही जाओ तो नीति में आज भी अगर सबके ले के चले वाला बात होके तो कहीं दिक्कत नहीं थे। दूसरा चीज कि लालू नीति आज भी बिहार के प्रासंगिक बढ़ुए। वो नीति पर चले के बात भले करत होके लोग, लेकिन परिवार में आज तक लालू परिवार में ऐसा कभी ना भर रहा कि केहू लालू के रहते हुए एने और ओने के बात कर लेवे या मनमुटाव के बात होके। लालू से खिस या तो केहू ना रहा आ ना केहू लालू से दूर जात रहा, जे गई से परमानेंट गई, जे रहल से मनोयोग के साथ रहल। एकरा में कहीं ना कहीं लालू के अनुपस्थिति में अंतर जरूर पड़ता पार्टी में और एकरा से पार्टी के नुकसान भी हो रहा बढ़ुए। दोसर बात अगर नीति के बात नियत के करी या फिर नेता के बात करी तो राजद में नेता के कमी नहीं है, नेता सिर्फ इंतजार करता रहे। लाइन लागल बढ़ुए, बहुत दिग्गज भरल बड़े, लेकिन जो कहनी अनुनीति के बाद लालू नीति लागू करे में अगर पूरी तरह से छोड़ दिया तो नेता आज भी सक्रिय बढ़े, लेकिन जो दूसरा पीढ़ी जो चल रहा बुड़े ओकरा ये समझ में आवत हुए कि वो बेहतर काम करते हुए। नेता बने के वर्चस्व के लड़ाई परिवार में भी चल रहा बुड़े। एक तरफ जहाँ तेज प्रताप यादव संगठन पर कब्जा कर कैले बड़े, करे के प्रयास करते हा, रामचंद्र पूर्वे के याद हुई रुआ कि बहुत कुछ कह दिल रहन, पुरान नेता बड़े, लालू प्रसाद के साथे पूरा जीवन राजनीतिक जीवन बितौले बड़े। वो ये तेजस्वी यादव पार्टी के राजनीति करते रहे, पार्टी और संगठन के वर्चस्व के लड़ाई ओमे मीसा भारती के दही में सही जोरन मिलावल, उनको अपना राजनीति चलावे के बुड़ गए। एक साथ साथ नेता लोग के मान सम्मान या भय रहते हुए कि कब के का बोल दी, तेज प्रताप यादव कबहू कुछ बोल सके, ये बात के लोग के भय बढ़ुए, डर बढ़ुए। याद हो रुआ भाई वीरेंद्र वाला मैटर, ओहू मामला में काफी तूल पकड़ ले रहे। जब परिवार में सही ढंग से नेतृत्व के विशेषता नहीं खे, चयन नहीं खे, क्योंकि नेता माने, हालांकि तेज प्रताप यादव बार बार ही बात कहते रहे कि वो
अर्जुन बन के, अपना अर्जुन के भाई के, कृष्ण बन के अर्जुन के गद्दी पर बैठे हैं। लेकिन एकरा साथ साथ बार बार वर्चस्व के लड़ाई, घर परिवार से अलग अपन एक अलग स्टैंड लेके चलना, ये सब बहुत कुछ मैटर करत रहे। नियत के जहाँ तक बात बोल गए, नीति बता देनी रुवालों के, नेता बता देनी, नेता के लगातार रैली लागल बढ़ गए, बढ़िया बढ़िया नेता बन राजद में, लेकिन पूरा संतुष्टि जो कहाला मनोयोग से नहीं खन। ऐसे कि मुद्दा पर राजनीति जब भी होते हुए तो कहीं ना कहीं दू फाड़ नजर आते हुए, रुआ आज के डेट में देख ली तो मनोज झा बन जो पूरी तरह से एकदम तेजस्वी यादव के पीठ पर चलत रहन, चाहे वो झुनझुना दिखावे के बात होके, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर के बात होके, वो तेजस्वी यादव के पीछे पीछे दम स्ट्रेटजी के साथ चलता। अब एजा से पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग बा, वो लोग के जुटावल जरूरी गुरु है। नियत के जहाँ तक बात करी तो राजद में कहीं ना कहीं नियत भी नजर आते हुए कि जो लालू प्रसाद के नियत रहे ओकरा में कुछ ना कुछ लेकिन किंतु परंतु जरूर गुरु है। बात जब करत नहीं रुआ तो चुनाव के, तो चुनाव में लालू प्रसाद के नियत कुछ और रहे, उनका सोचे के तरीका रहे जो 2015 में नजर आई, स्पष्ट नियत रहे कि मुख्यमंत्री बनी है नीतीश कुमार, दही का टीका भी लगैले रहन, उनका संकेत साफ रहे कि सत्ता में अगर हरावे के बुढ़े दुश्मन मजबूत बढ़ के पहले ही कह ले रहनी है कि दुश्मन अगर मजबूत बढ़ुए तो ओकरा के एकजुट होके हरावल जा सकेला। ये बात रघुवंश प्रसाद भी कहले रहन जो लालू नीति के और नियम के साथ रहे। अब एजा जहाँ नियत के सवाल बढ़ुए तो राजद ये सोचता कि महागठबंधन में वो डोमिनेट करो, बड़ा भाई के रूप में रहो। यह नियत में कहीं ना कहीं इहो नजर आते हुए कि कांग्रेस के डाउन करके रखो, अपना अंदर में दबा के रखो, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी बढ़ुए ओकरा साथ दबा के ना, टेबल टॉक करके बातचीत के आधार पर 19-20 रणनीति के तहत कम और बेसी सीट दिहल जा सकेला या बात कर जा सकेला। लेकिन जब भी बात हुई नियत के तो कहीं ना कहीं आज के आरजेडी में नियत के जरूर कमी बढ़ुए। रुआ याद हुई कि 2014 चुनाव से पहले राहुल गांधी एक ऐसा अध्यादेश ले अले जौना के चलते सजा याफ्ता के टिकट ना मिली, जेकर दंश लालू प्रसाद के झेले के पड़ल और सक्रिय राजनीति से वो अलग हो गई ले। लेकिन ओकरा बावजूद भी लालू प्रसाद कांग्रेस के साथे जुड़ल रहले। ये बहुत बड़ा नीति, रणनीति, नियत और नेता के रूप में लालू प्रसाद के बड़ा बना उतर हुए। कारण जो भी होके विपक्ष जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद के शून्य मान के चलते हुए, वो ये लालू के नीति और नियत, नियम और नेता के रूप में स्वीकार्यता कभी खत्म नहीं हो सकत। बिहार के राजनीति से रुआ लालू के दिगर कर सकता नहीं, अलग कर सकता नहीं, लेकिन बिहार के राजनीति लालू के बिना रुआ नहीं कर सकत। इतना बड़ा रैली भइल, संकल्प रैली जौना में अब तक के एगो इतिहासे बढ़ुए कि ओहू में लालू प्रसाद के फोटो लागल रहे, चाहे जौना मकसद से लगाई रुआ लेकिन लालू के फोटो लगाओ जरूरी रहे। स्टेज पर रुआ सुन ले कब, वो मंच पर चाहे वो प्रधानमंत्री होकस, मुख्यमंत्री होकस, या केंद्रीय मंत्री, सांसद, या बिहार के मंत्री होकस, कहीं ना कहीं वो मंच पर संकल्प से ज़्यादा विकल्प के रूप में लालू मौजूद रहा। चारा घोटाला के बात आई, एकरा अलावे बहुत सारा बात आई, धन संग्रह के बात, हर कोई कोई ना कोई बहाना लेके लालू प्रसाद के नाम जरूर जनता के बीच में रखलस। ये बात बताओ तो हुए कि लालू के नीति, रणनीति और लीला, जहाँ तक लीला के सवाल बढ़ुए
याद होए कि सुशील मोदी लालू लीला नाम से एगो किताब लिखले रहन, पुस्तक लिखले रहन, उ पुस्तक पुस्तक के का भइल ई तो पता ना, लेकिन लालू लीला आज भी बिहार के राजनीति में चर्चा में बढ़ुए, एकरा के भुलावल बड़ा मुश्किल बढ़ुए। सत्ता पक्ष के बात करी, विपक्ष के बात करी, चाहे जेकर भी बात हुआ कर ली, लेकिन लालू प्रसाद के भुलावल बड़ा मुश्किल बढ़ुए। एक तरह से मान के चली तो लालू के कर्जा बढ़ुए आरजेडी पर, जो उतारल लालू परिवार के जो नेतृत्व करता बाड़े वो लोग खातिर बड़ा असंभव चीज़ बढ़ुए। ओकरा के अगर उतार के हो सकतर हुए तो पुरान पुरान नेता बाड़े जौन उतरी हैं। तात्पर्य कि आज कार्यकारिणी के बैठक भइल, लालू प्रसाद जेल में बाड़े, चर्चा रहा है कि राबड़ी देवी उनका अनुपस्थिति में हस्ताक्षर करी हैं और प्रत्याशी के चयन करी हैं, लेकिन अंत में फैसला यह भइल कि लालू प्रसाद ही सर्वे सर्वा बाड़े। स्टेट पार्लियामेंट्री कमेटी के आज बैठक भइल और बैठक में लालू के एक सर्वसम्मति से अधिकृत कर गई है प्रत्याशी चयन खातिर। एकरा पीछे बहुत कुछ बात हो सकेला, ये भी हो सकेला कि प्रत्याशी चयन अगर कोई दोसर कोई करी तो विवाद हो जाए परिवार में भी। तेज प्रताप यादव ना पहुँचले है आज के बैठक में, उनका के अलग रखल गई है या अलग हो गई बाड़े। इस बात के बाद प्रेस वार्ता में ये भी बताया गया कि स्टेट पार्लियामेंट्री कमेटी के बैठक के बाद जे भी लालू प्रसाद के ऑथराइज कर लिया है और जे निर्णय कर लिए हैं, जौना चीज़ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जेकर नाम रख दिए हैं, वह प्रत्याशी हुई 2019 के चुनाव में। बात छोट नहीं है, बात बहुत बड़ बड़ हुए कि एक तरफ जहाँ राजद बिना लालू के एक डेग ना चल सकेला, वो ये भले अपना के केहू नेता मान लेवे, आज भी लालू प्रसाद और लालू प्रसाद के पुरान साथी के अलग करके बिहार में राजनीति के कल्पना ना कही जा सकेला। चाहे उस सत्ता के पक्ष होके, विपक्ष होके, राजद होके, राजद के सहयोगी लोग होके, या फिर राजद के और महागठबंधन के विरोधी लोग होके, सब कोई के लालू प्रसाद के माला जरूर जपे के पड़ी। ई कोनो अजूबा बात नहीं है, बात लगातार हो रहा बड़ुए और बात आगे भी हुई। चुनाव के घोषणा होते जो थोड़ा थोड़ा नाम लालू के चल रहा बड़ुए, वो लालू पूरा नजर रही हैं। दो फाड़ हुई, एक लालू समर्थन, एक लालू विरोध के राजनीति पर बिहार के राजनीति चली आ गया। आज के कार्यकारिणी के बैठक के बाद यह बात से इनकार ना कर जा सकेला कि राजद अभी भी पूरी तरह से सब कुछ कैला के बाद बे लालू प्रसाद के कोनो फैसला करे के स्थिति में नहीं है। नेता भले के मान ले हो के अपना के, लेकिन अभी भी लालू के स्वीकार्यता, सहभागिता, सक्रियता और सिग्नेचर चली। फिर कोनो ऐसने विश्लेषण या खबर लेकर वालों के सामने हाजिर हो, तब तक खातिर गोर लगा देने। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।